अभनपुर शासकीय अस्पताल से नवजात शिशु के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि कल खेम कुमारी धीवर ने एक लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद उसके पति देखभाल हेतु अपनी सास को लेने चले गए थे। वापस आकर जब उन्होंने देखा शाम 6 बजे तो उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। ढूंढने पर अस्पताल के वार्ड में बदहवास मिलने पर उसने बताया कि कोई अज्ञात महिला गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई आधे घंटे पहले उनके बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के नाम पर लेकर चली गई। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया व अज्ञात महिला आरोपी की तलाश प्रारंभ की, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे व तकनीकी विश्लेषण पर अज्ञात महिला की पहचान सुनिश्चित की गई। देखिए, अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल एक बच्चा चोरी अपहरण की घटना घटी थी, जिसमें जो पीड़िता है खेम कुमारी धीवर वो कल डिलीवरी के लिए वहां पे एडमिट हुई थी। सुबह 6 बजे लगभग सुबह 8 बजे उसको डिलीवरी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद शाम को 6 बजे एक अज्ञात महिला आई और उसको ये बोली कि तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, तो उसके बच्चे को लेकर चली गई। जब पीड़िता को एहसास हुआ था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके बच्चे को लेकर चले गया है, पुलिस के सूचना मिली, पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और उसको पता तलाश किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल से हमको ये पता चला कि इसमें एक दुर्ग की महिला इन्वॉल्व है, तो हमारी टीम दुर्ग गई। दुर्ग से फिर उस महिला को और जो अपहरण पीड़ित नवजात बच्चे को बरामद कर लिया गया और इसके जो सामान्य उसका भाई है इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो आरोपी है पूजा सिन्हा और उसका भाई है परस राम सिन्हा, दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। पूजा सिन्हा की शादी हुई थी, शादी 2019 में तलाक हो गया था, उसके बाद उसने दूसरी शादी की थी। डॉक्टर ने ये बताया था कि उसको बच्चा पैदा नहीं हो सकता।